बालाघाट में असहाय एवं गरीब लोगों के लिए राजेश पाठक ने दान की है 2,51,000 रुपए की राशि। रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष दीपक आर को यह चेक सौंपा गया है। तो वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए दानदाताओं की लंबी फहरिस्त देखने को मिल रही है। तो वहीं अब दानदाताओं में से एक शख्स निकलकर सामने आए हैं जो खुलकर समर्थन कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष राजेश पाठक ने रेड क्रॉस सोसाइटी में गरीब असहाय एवं जरूरतमंदों की सहायता के लिए 2,51,000 रुपए की राशि दान की है। इसके साथ ही अशोक बजाज और इंदु बजाज ने भी परिवार की ओर से 51,000 रुपए की राशि दान की है। कलेक्टर आए थे आप, किस वजह से आए थे आप? आज उसी परिप्रेक्ष्य में जो पूरे संसार में विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसी परिप्रेक्ष्य में जैसे मध्य प्रदेश से लेकर पूरे जिलों में फैला है, हमारे बालाघाट जिले में भी तमाम लोग बाहर से, हमारे गरीब साथी, मजदूर साथी और तमाम मेहनत कश लोग जिनके रोजी रोटी का व्यवसाय हर दिन का रहता है, ऐसे बहुत सारे लोग परेशानी और संकट से जूझ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह जी इस ओर प्रयास में लगे हुए हैं और उन्होंने आह्वान भी किया है कि आज रात को 9 बजे राष्ट्रीय एकता लोगों को समझ में आए और पूरा देश मजबूती के साथ कोरोना से लड़ रहा है, तो रात्रि में 9 बजे उन्होंने आह्वान किया। हमारे मोबाइल का टॉर्च जलाएंगे लेकिन 9 मिनट पूरे इस राष्ट्र के नाम इस कोरोना को हराने के लिए पूरा बालाघाट जिले के हमारे निवासी तैयारी पे खड़े हैं और निश्चित रूप से कोरोना से हम जीतेंगे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम माननीय कलेक्टर साहब को हमने 2,51,000 रुपए का एक चेक उस सहायता राशि कोष में जमा किया है जिसमें तमाम जरूरतमंदों को उसमें दिन रात हमारे जिले का प्रशासन उस कार्य में लगा हुआ है, उसके लिए निश्चित रूप से आर्थिक मदद की जरूरत होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ आए थे और हमने उनको चेक प्रदान किया। हमारे साथी अशोक बजाज जी, इंदु बजाज जी, इन्होंने भी प्रदान किया, ये अपने स्वयं बात बताएंगे।